होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी। और निराक्षी यहाँ पे आराम कर रहे हैं और एक निराक्षी अभी आपको दिखाती है कि वो क्या करने वाली है। तो एज़ यूजुअल निराक्षी को कुछ नहीं करना होता है, क्या करना होता है तो चाय बनानी होती है। हाँ जी, पहले बनाऊंगी चाय, शाम हो रही है बिकॉज, और ये व्लॉग यहीं से ही स्टार्ट हो रहा है। चाय बनाने के बाद अंदर जाएंगे, चाय पियेंगे और मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि मैं जो बड़ी वाली पेंटिंग बनाने वाली हूँ, जैसे इन्होंने पिछले कुछ व्लॉग्स में बताया आप सभी को, तो वो किस कैनवस पे बनाऊंगी, कितना बड़ा कैनवस है वो दिखाऊंगी। अभी बनी नहीं है तो दिखाती हूँ पहले, और उसे भी बनाना जल्दी स्टार्ट करेंगे। पहले तो अपनी चाय बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मेरी हेल्थ थोड़ी सी डाउन है, यस, कोई बात नहीं, बाकी पहले चाय बनाते हैं और मैं आप सबको दिखाऊं। देखो हमारे मनी प्लांट्स कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। इनका पानी मैंने आज मॉर्निंग में भी चेंज किया था, इस पाम का भी पानी चेंज किया था, और एलोवेरा भी उसमें भी पानी आज मैंने सुबह ही डाला है। तो चाय बना के अंदर पहले चलूँ, पहले इन्हें फ़ोन दे दूँ, नहीं दूँगी, पहले मैं कैनवस दिखाई देती हूँ आप सभी को। ये है वही कैनवस जिस पे मैं बनाने वाली हूँ अपनी बड़ी सी पेंटिंग, और ये लगेगा ड्राइंग रूम में। कैमल का कैनवस है, पीछे कुछ इस तरीके से है, और इसका MRP भी देख लो आप सभी, 700 का ही है। आप सभी को भी लेना हो तो ईज़िली मिल जाएगा। इसे मैंने अभी मंदिर वाले रूम में रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, होता क्या है, आप चार्ट पेपर पे भी बना के उसका फ्रेम करवा सकते हो। कैनवस रहेगा तो उसे डायरेक्टली हैंग भी कर सकते हो, और अगर आप पेंट अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हो तो उसे वॉश भी कर सकते हो, इसलिए कैनवस ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। बाकी देखते हैं, मैंने तो बहुत सारी पेंटिंग्स चार्ट पेपर पे ही बनाई है और उसको फ्रेम करवा लिया है, बहुत अच्छा होता है। पेंट बस ऐसे यूज़ करो आप, जैसे एक्रेलिक कलर्स हो गए जो उड़ते नहीं हैं धूप या गर्माहट से, उनका कलर फेड नहीं होता, यस। और साथ ही साथ चाय पीने के बाद इन्हें मैं फंसाने वाली हूँ। आज मैं जाऊँगी सब्ज़ी लाने, तो इनको एज यूजुअल साथ लेके जाऊँगी और ख़ुद कुछ भी नहीं पकड़ूँगी, सारा थैला इन्हीं को ही पकड़ाऊँगी। देखना आप सभी बने रहिए एंड तक, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। देखिए जो फंस चुके हैं मेरी जाल में, सब्जी लाने की जाल है ना, चला जाए अभी से ही। लाइट डलाओ तो अभी से ही इनको बैग पकड़ा दिया गया है, और मेरी पेंटिंग कितनी प्रिटी लग रही है यहाँ पे। तो ये जो फंसे हैं तो अपना शॉर्टकट भी ये निकाल ही लेते हैं, सब्जी लाने जाएंगे कार से जाएंगे, ताकि इन्हें कम बैग उठाना पड़े। सही कह रही हूँ ना मैं? कंधे में दर्द है तो क्या हुआ? नहीं नहीं, कंधे में दर्द है, पूरा ख्याल रखा जाएगा। बताओ क्या वॉलनी स्प्रे करवाना चाहोगे आप, या फिर मसाज करवाना चाहोगे लाल तेल से नवरत्न? स्प्रे करवाऊंगा वापस आके। ओके ठीक है, मसाज से ऊपर जा चुका है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हो रहा है? ज़्यादा लेकिन ठीक ठाक है। तो मैं तो लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे, दीदी जीजू के कंधे में दर्द था फिर भी आपने सब्जी लेके गए। सब्जी भी जरूरी है, यस। इवन क्या हो जाता है, जैसे सब्जी आज नहीं है तो मैंने छोले बना लिए, अब वो भी कितना ही है ना, तो चलते ही हैं। आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हम दोनों ही जा रहे हैं। क्यों? दोनों ही बीमार हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं। यहाँ आ चुके हैं हम सब्जी लेने, मैं दिखाती हूँ कि हमारी सोसाइटी कहाँ है और हम सब्जी लेने कहाँ आते हैं। ये है हमारी सोसाइटी और हम आते हैं यहाँ सब्जी लेने, लेकिन
इधर से इधर का डिस्टेंस इतनी इजीली नहीं कवर होता, यहाँ से घूम के आना पड़ता है। यहाँ से लेके वहाँ तक दुकान है अपना। तोरी 20 रुपए किलो। अरे नया तोरी 20 रुपए किलो। शॉपिंग हो चुकी है पूरी, पाते हैं घर पे। घर पे आए के खाना खाएंगे, दाल भात खाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे और सो जाएंगे। चलिए अब बाय कर दो। और आपने तो बताया ही नहीं आपको मैंने फंसाया था, आपको कैसा लगा? मैं बदला लूंगा इस चीज का। बहुत अच्छे बदला। बदला वो भी किससे बदला लोगे बताना जरा। मैं भी फंसाऊंगा किसी से। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड क्या करना है सब्सक्राइब। यस चलो बाय, गुड नाइट।